नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली में रोड शो के दौरान केजरीवाल पर हमला। दिल्ली की अदालत ने गौतम खेतान की पत्नी को जमानत दी। तमिलनाडु में पोलाची रिसोर्ट में 159 छात्र ड्रग्स मामले में गिरफ्तार। पानी तूफान के कारण पूर्वोत्तर के हवाई अड्डों से 79 उड़ाने रद्द। राफेल मामले को फिर से खोलने का केंद्र ने विरोध किया। बिहार में तेजस्वी ने राज्यपाल से की नीतीश सरकार बर्खास्त करने की मांग। एक दिन की स्थिरता के बाद फिर बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम। मोदी ने नीरज चोपड़ा के जल्द ठीक होने की कामना की। गंभीर ने अफरीदी को भारत में मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी। बीसीसीआई के सीईओ जौहरी पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा सीएबी। कमजोर कारोबारी रुझान से घरेलू शेयर बाजार में रही गिरावट। राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर अक्षय की पात्रता पर उठे सवाल। चक्रवाती तूफान फानी से बांग्लादेश में 4 लोगों की मौत। फ्लोरिडा नदी में गिरा बोइंग 737 विमान, 21 लोग घायल। उत्तर कोरिया ने कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का किया प्रक्षेपण।